उर्वशी रौतेला इंडस्ट्री की वो एक्ट्रेस हैं जो अगर कहीं जाएं और वहां से सुर्खियां ना बतोरे ऐसा कैसे हो सकता है। हर साल की तरह इस बार भी वो कांस फिल्म फेस्टिवल में पहुंची थी और वहां पर उर्वशी रौतेला ने अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। उर्वशी का पहला लुक कांस की ओपनिंग सेरेमनी में सामने आया था और इस दौरान उन्होंने पिंक कलर का गाउन कैरी किया था। इसके बाद वो लाल कलर के खूबसूरत ऑफ शोल्डर गाउन में नजर आई थी। अपने दो लुक से कांस फिल्म फेस्टिवल में छा चुकी उर्वशी जब तीसरे दिन रेड कारपेट पर उतरी तो हर जगह बस उनके ही चर्चे हो गए। जी हाँ, तीसरे दिन उर्वशी ने ब्लू कलर का डिजाइनर गाउन पहन रखा था जिसमें वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, लेकिन इस बार उनकी खूबसूरती से ज्यादा उनके गले के नेकलेस के चर्चे हो रहे हैं। पिछले साल कांस फिल्म फेस्टिवल में उर्वशी रौतेला ने क्रोकोडाइल नेकलेस पहनकर शिरकत की थी और सबको घिन आ दिया था। अब इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। इस बार उनके गले में कस्टमाइज्ड नेकलेस है जो किसी जीव की तरह लग रहा है। बता दें कि एक तरफ से सांप और दूसरी तरफ से किसी की पूंछ जैसा इसका आकार है और जहां कुछ इनकी सुंदरता पर फिदा दिखाई दे रहे हैं तो वही कुछ फैंस इनके गले के इस अतरंगी पीस पर सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर ये क्या है। वहीं उर्वशी के तीसरे लुक की बात करें तो वो इस दौरान नीले रंग के ऑफ शोल्डर गाउन में नजर आई थी और इस दौरान उर्वशी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उनके इस गाउन पर बेहद ही खूबसूरत वर्क था जो देखने में किसी गैलेक्सी के जैसा लग रहा था। वहीं अपने तीसरे लुक को उर्वशी ने विंग्ड आईलाइनर और ग्लॉसी मेकअप के साथ पूरा किया था। इस लुक के साथ उन्होंने न्यूड लिपस्टिक लगा रखी थी जो उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। वहीं हेयर स्टाइल के लिए उर्वशी ने अपने इस लुक को मेसी बन से कंप्लीट किया था और आगे की तरफ बालों को उन्होंने कर्ल करा था जिस वजह से वो एकदम राजकुमारी जैसी लग रही थी। बता दें कि उर्वशी रौतेला भले ही इन दिनों किसी फिल्म में ना दिखाई दे रही हो, लेकिन वो आए दिन अपने लेटेस्ट लुक से सोशल मीडिया का पारा गर्म करती रहती हैं और साथ ही वो इंस्टाग्राम पर भी काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं और हमेशा ही अपने फैंस को एंटरटेन करती हैं।